युधिष्ठिर ने किया माँ कुंती को श्राप। युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के इतने परिजन मारे गए थे कि मात्र एक दिन में किसी का भी तर्पण करना संभव न था। धीरे धीरे पांडव एक एक कर कौरव पक्ष एवं पांडव पक्ष के परिजनों और सगे संबंधियों का तर्पण करते गए, लेकिन कर्ण का तर्पण युधिष्ठिर ने नहीं किया। युधिष्ठिर ने ये कहते हुए कर्ण का तर्पण करने के लिए मना कर दिया कि वह न तो कोई परिजन था और न ही रिश्तेदार। माता कुंती चाहती थी कि पांडवों द्वारा कर्ण का भी तर्पण हो, क्योंकि कर्ण वास्तव में पांडवों के भाई थे। लेकिन वह ये सत्य पांचों पुत्रों को बताने से भयभीत हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा कि वह सत्य बता दे। तब माता कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण तुम्हारा ही भाई और मेरा पुत्र था। ये सुन युधिष्ठिर क्रोध पर काबू न रख सके और उन्होंने माता कुंती को श्राप देते हुए कहा कि आज से कभी कोई स्त्री पेट में कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी।